साथियों, जैसा आपकी जानकारी में भी है, आजादी का यह अमृत महोत्सव, आजादी के 75 साल के इस आयोजन के लिए हम सब ने जो विचार आए थे उसको जब समेटते थे तो एक मोटा मोटा जो खाका बनता था वो 5 स्तंभ में हम उसको विभाजित कर सकते हैं। एक तो फ्रीडम स्ट्रगल, आइडियाज एट 75, अचीवमेंट्स एट 75, एक्शंस एट 75 और रिजॉल्व एट 75। हमें इन 5ों को लेकर आगे बढ़ना है। इन सभी में देश के 130 करोड़ लोगों के आइडियाज, उनकी भावनाएं शामिल होनी चाहिए। स्वाधीनता संग्राम के जिन सेनानियों को हम जानते हैं उन्हें हम श्रद्धांजलि देंगे, लेकिन साथ ही जिन सेनानियों के इतिहास में उतनी जगह नहीं मिली, उतनी पहचान नहीं मिली, उनकी जीवन गाथा भी हमें जन जन तक पहुंचानी है। हमारे देश का शायद ही कोई ऐसा स्थान हो, कोई ऐसा कोना हो जहां से किसी न किसी भारत मां के बेटे बेटी ने अपना योगदान न दिया हो, बलिदान न दिया हो। उन सब के बलिदान, उन सब के योगदान की, उन महान प्रेरक कहानियां भी जब देश के सामने आएगी तो वो अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत होने वाला है। इसी तरह हमें देश के हर कोने में हर वर्ग के योगदान को भी देश के सामने लाना है। कई ऐसे लोग हैं जो पीढ़ियों से कोई न कोई महान काम देश और समाज के लिए कर रहे हैं। उनकी सोच को, उनके आइडियाज को भी हमें सामने लाना है, देश को उनके प्रयासों से जोड़ना है। ये भी इस अमृत महोत्सव की मूल भावना है।